हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके जो है जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी जो आपका भी जो है वेयर हाउसिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं जिनमें एग्रीकल्चर से जो है संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरु के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को भी शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाई, मैंगो में जो है ब्लैक टिप जो हो जाता है वो किसके कारण होता है, वो क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पे जो है आप सभी को जो है यहाँ पे आंसर इसके बताए जाएंगे कि इन क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर जो है जो ऑप्शन 4th यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉपर फंगिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कॉपर फंगिसाइड्स है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4th, ब्लीटॉक्स। ब्लीटॉक्स का ये कॉपर फंगिसाइड्स है, जो ब्लीटॉक्स है ये है कॉपर फंगिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसेंथेमम इज़ अ, क्राइसेंथेमम क्या है, डे नेचुरल लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, या नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपकी स्क्रीन पर, और थर्ड का जो है राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन 3rd ही होगा, ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कॉज्ड बाई, पाउडरी मिल्ड्यू जो है पी यानी मटर में किसके कारण होता है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पर, और आंसर यहाँ पर जो है आपका होगा ऑप्शन 2nd जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यह एक जो है फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ बोगेनविलिया लाइज इन, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन 3, ये एक कलरफुल ब्रेक्स हैं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ जो है आपका ऑप्शन 3rd होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया इज बेस्ट प्रोपेगेटेड थ्रू, मंगोलिया इज बेस्ट प्रोपेगेटेड थ्रू एयर लेयरिंग, कटिंग, सीडिंग, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन 1, एयर लेयरिंग इज अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, करक्यूमा लॉन्गा इज बॉटनिकल नेम ऑफ, यहाँ पे जो करक्यूमा लॉन्गा है ये बॉटनिकल नेम किसका है, निम्नलिखित में से किसका जो है बॉटनिकल नेम है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 1, ये टर्मरिक का जो है बॉटनिकल नेम है। क्वेश्चन, जीनोमेसियस मीन्स जीनोमोनीसियस, इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इसका मीनिंग अधिकतर पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8th का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1st होगा, ये क्या होता है, ये हैविंग फीमेल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन 1st जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट ऑफ कोकोनट, नेक्स्ट ओनली 2। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है यहाँ पर जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोनट में है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ओनली 2 यानी कि उससे पहले कौन से हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का तो होगा ऑप्शन 2nd, यहाँ पर श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका एंड मालदीव जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल वाइन इज अ, बैटल वाइन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन 2nd होगा, ये एक डायसियस प्लांट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन 2nd। क्वेश्चन,
मैंगो एंड बनाना आर, मैंगो और बनाना दोनों किस तरीके के, यानी कि कौन से टाइप के ये फ्रूट्स हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, क्लाइमेटिक फूड, नेचर ऑफ राइपनिंग डिपेंड्स अपॉन वराइटीज़ या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड होगा। ये क्या है, ये मौसमी फल है, यानी कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑरोकेरिया इज़ अ ट्री सूटेड टू फॉलोइंग रीजन्स। ये जो है कौन से रीजन्स में जो है पाया जाता है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन थर्ड होगा, ये जो है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस इज़ जनरली सूटेड टू, कैक्टस जो है वो किस प्रकार की जो है जगहों पर जो है इसे पाया जाता है, अधिकतर ये जो है मिलता है वहाँ पर? तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, ये सनी साइड्स साइड्स जो होती हैं वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एथिलीन प्रोडक्शन विद राइपनिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जो एथिलीन होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है राइपनिंग के समय पर, तो ये किसका जो है लक्षण है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर जो है आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 15th यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन सेकंड, क्या होगा, CO2 एंड C4H4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर एडेड टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स टू चेक रिड्यूस एसिडिटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी, एथिलीन प्रोडक्शन या मीथेन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16th है और 16th का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली रिच इन डाइट्री फाइबर्स विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आमतौर पे जो ये रिच होते हैं वो डाइट्री फाइबर्स में होते हैं, तो यानी विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, तो ये किस जो है किससे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होते हैं, किसकी वजह से? तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर ये कोलोनल कैंसर्स के जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस रिजल्ट इन, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्यूसियस रिजल्ट रिजल्ट्स इन हेल्प म्यूटेशन, प्रोमोटिंग, ब्रेकिंग लिंकेज या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रेकिंग लिंकेज। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आपको भी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स खरीदनी है या फिर जिनमें ऐसा जो है आपको कंटेंट मिल जाए, तो उन बुक्स की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है बुक्स को परचेज कर सकते हैं और आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, सेशन को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन चिलीज इज मेंटेन्ड थ्रू, जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी चिलीज में होती है वो किसके द्वारा जो है मेंटेन रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, हेटरोजियस पॉलिनेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिग्री सिलेक्शन इज, पेडिग्री सिलेक्शन जो होता है वो क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है? तो आंसर यहाँ पर जो है आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, ये प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन कोल क्रॉप इज ऑफ, तो क्या है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन कोल क्रॉप इज ऑफ, क्या होगा? तो आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन थर्ड, ये क्या है, सेप्रोफाइटिक टाइप्स, ये क्या है, एक सेप्रोफाइटिक टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैंडोमाइजेशन इज डन टू रिमूव, एंडोमाइजेशन जो होता है वो किसको रिमूव करता है, LSD, प्रोबेबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम या बायस। तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां क्वेश्चन है और आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 23,
द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन अ डाटा सेट इज, जो सिंपल मेजर करने के लिए जो वेरिएबिलिटी डाटा सेट होता है, रेंज होगा, मीडियन होगा, मोड होगा या फिर मीन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, रेंज जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हेटरोसिस ब्रीडिंग वन शुड कैपिटलाइज ऑन, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास सिलेक्शन इज इसेंशियली अ, मास सिलेक्शन जो है वो किसके लिए जो है आवश्यक है, तो आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन सेकंड, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर लाइन वैरायटी इज जनरली डेवलप्ड इन, प्योर लाइन वैरायटी जो होती है वो जनरली किस में डेवलप होती है, तो आंसर यहाँ पे जो है आपका है ऑप्शन फोर्थ, ये प्रीडोमिनेंटली जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक क्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग मींस, बैक क्रॉस मेथड जो ब्रीडिंग का होता है उसका क्या मतलब है, तो आंसर यहाँ पे जो हैगा होगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन फोर्थ, ये होगा क्रॉसिंग बैक द F1 टू डिजायरेबल पेरेंट्स, तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नार्कोटिक क्रॉप है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन फोर्थ, पॉपी। पॉपी जो है आपके एक नार्कोटिक क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेजिटेबल क्रॉप इज नोन एज वेजिटेबल ऑफ 20th century, यानी निम्नलिखित में से वो कौन सी वेजिटेबल क्रॉप है जो कि जो है 20th century के नाम से जानी जाती है, तो आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन ए, फिन वाइंड बीन, जो है इसको जो है 20th century के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोविंग इज अ बोरोन डिफिशेंसी सिम्टम्स नोटिस्ड कॉमनली इन, ये जो है इसके सिम्टम्स किस में, इसकी कमी बोरोन की कमी से जो है ये जो सिम्टम्स होते हैं तो किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे ये कॉलीफ्लावर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्ज कार्डमम इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड थ्रू, तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन फर्स्ट, शकर। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट अकाउंटिंग फॉर मैक्सिमम एरिया एंड पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम इज, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है कार्डमम का, तो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट यूज एज वेजिटेबल इन गैरुशेलन सेलम आर्टिचोक इज, तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सेकंड, रूट ट्यूबर, रूट ट्यूबर जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटर प्रिंसिपल इन बिटर गार्ड इज, बिटर गार्ड जो होता है उसमें जो बिटर प्रिंसिपल यानी कि ये किस पे जो है वर्क करता है, किस वजह से हो जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन थर्ड, ये क्या है कुकरबिटेशन, क्या होगा आपका कुकरबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट द मेथड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरा परफ्यूम, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड होगा, इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन कार्डियोटोनिक, तो इन सभी निम्नलिखित में से सबसे वेल नोन यानी कि कार्डियो टॉनिक कौन जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सेकंड, पेरीविंकल, पेरीविंकल को जाना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, 36 क्वेश्चन थे जो कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को जो है सेशन बहुत पसंद आया, सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि अभी वेयर हाउसिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी आपका 29 को ही होने वाला है, और आपका जो JRF का एग्ज़ाम होगा वो भी आपका जो है 7th फर्स्ट
जो है 7th मंथ में है, फर्स्ट को है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें ये पूछा जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग दोस्तों ऐसे ही वीडियो को जो है देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, लाते रहेंगे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।